हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाभी तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फटाफट सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि कैसे हैं, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसीलिए सभी प्यारे बच्चे एक बार फटाफट आ जाएंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई, और जिसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अंतद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं, और एक बार तब तक देखते हैं कौन कौन आ गया। प्रिया चौहान, सुधीर, नेहा, ललित, उत्तम राठी, गुरु का फैक्ट, मनीष, सोनी, विकास, सचिन, मनीष, किंग ऑफ कन्नौज, विकास, प्रिया, आदित्य और जागृति या जगदीश, है ना? हाँ, जागृति स्टार ऑफिशियल, ओके। फैजान राजा, निधि सिंह, सोनी और मिस्टर ललित अवस्थी, विकास, नेहा, फैजान, निधि गोस्वामी, अभिषेक, मिस्टर जो, ओ मिस्टर जो, आदित्य राणा, सुधीर, गरिमा और विकास, ललित, पापा की शेरनी था या शेर, हेम सिंह भाई, आर्यन कुमार, राम गोपाल, विकास, विनोद, राहुल, राहुल कुमार, रजनी शर्मा। अच्छा, आज शायद काफ़ी दूर है मेरी आंखों से, है ना, इसलिए हो सकता है कि कुछ कुछ नाम जो हैं और नाम जा भी जल्दी जल्दी रहे हैं, है ना। हैकर बॉय और रोहित सैनी, ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कैसे हैं, फटाफट बायो वाला हर्ट भेजेंगे, फिर हम आज की जबरदस्त क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा कोट है सभी प्यारे बच्चों के लिए। आज का कोट है कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हमें लगता है कि जो मैं पाना चाहता हूँ या मैं जो पाना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो छोड़ो, हम उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं। पर क्या वहीं छोड़ना ज़रूरी है? नहीं, अगर हम चाहें, हमने जो सोचा है हम वो सब कुछ पा सकते हैं, बस कैसे? मेहनत करके। जो हमने चाहा है हमें वो सब कुछ मिलेगा, पर उसके लिए धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कर रहे हैं उसको निरंतर प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो हमने चाहा है, जो हमने सोचा है वो हमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, एक बार सभी प्यारे बच्चे जो हैं क्लास को शेयर कर देंगे गुरु का फैक्ट, इसीलिए तो कहती हूँ कि क्लास को देखो आप लोग खुद शेयर करने वाले हैं, है ना। क्योंकि बेटा हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी तरफ से जो क्लासेस हैं वो इसीलिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो किसी भी तरह से ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चाहे उनकी आर्थिक स्थिति के कारण हो या फिर ट्यूशन दूर होने के कारण हो। तो बेटा बस इसमें आप लोगों का ही सहयोग चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं? आप खुद से शेयर करके। ठीक है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हम अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करने के बाद हमें खुद को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये वो एक खुद का कहते हैं, एक वो मूवी थी सलमान खान की के थैंक यू नहीं बोलना, बस किन्हीं 3 लोगों की हेल्प कर देना। तो सेम ऐसा ही ये भी है ना, कि अगर आप चाहते हैं सच में कुछ अच्छा करना, तो कम से कम शिक्षा जो है कभी भी बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और हमारा आज का होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू हैकर बॉय। बस सभी प्यारे बच्चे एक बार फटाफट आ जाएंगे, क्लास का लिंक शेयर कर देंगे बाकी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और फिर हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी है? आपको बताना है कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी है, जहां मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं,
वो दोनों चीजें क्या हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो दो चीजें क्या हैं, ठीक है, वो दो चीजें क्या हैं जिनसे मिलकर कोशिका बनी है? तो बेटा प्रोटीन, एक तो प्रोटीन है और दूसरा और क्या है, दूसरा है लिपिड, ठीक। तो किस किस से मिलकर बनी है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ए और बी इसका सही आंसर है, ठीक है, दोनों से मिलकर बनी है, ए और बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, उसके बाद चलते हैं हमारी आज की क्लास में, ठीक, हमारी आज की क्लास में चलते हैं। और हमारी आज की क्लास में जो टॉपिक है वो तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं, पर लेकिन उसी से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, और वो छोटा सा टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है बेटा कोशिका भित्ति, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका भित्ति आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया, है ना। फिर भी एक बार बात करते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने इससे पहले कोशिका झिल्ली पढ़ी है, और कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये क्या है, कोशिका भित्ति है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम एक बार बात करते हैं कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति कहाँ पर, बायो में देखो कभी भी जो है चीजों को रटो मत, चीजों को समझो। अगर आप चीजों को समझोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और एक और बात आपने देखा होगा, जिस चीज के साथ हम जितना फैमिलियर होते हैं वो चीजें उतना ही हमारे साथ भी हम आराम से समझ पाते हैं, पर जब हम चीजों से डरना शुरू कर देते हैं तो वो हमें डराने लगती हैं। तो बस डरना नहीं है, समझना है एक बार, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम एक संरचना बनाते हैं, और संरचना क्या है, ये मैंने बनाई है कोशिका, ठीक है, ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने बनाई है कोशिका, और मान लो ये कौन सी कोशिका है, ये है पादप कोशिका, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है पादप कोशिका। जो पादप कोशिका है इसमें बाहर की तरफ, ठीक है, इसमें बाहर की तरफ अगर एक और भित्ति हो, ठीक है, एक और भित्ति हो, तो ये जो बाहर की तरफ एक और भित्ति है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कोशिका भित्ति, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। और जो अंदर वाली है, ठीक है, जो अंदर वाली है वो क्या है आपकी, वो है कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो अंदर वाली है ये क्या है बेटा, ये है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के भी बाहर जो संरचना होती है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। तो हम कह सकते हैं कि पादप कोशिका में आउटर मोस्ट या बाहर की तरफ, जो सबसे बाहर की तरफ जो भित्ति होती है, जो लेयर होती है, जो स्तर होता है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। और वहीं पर अगर हमारी कोशिका की, जंतु कोशिका की बात की जाए, तो जंतु कोशिका में तो मैंने आपको दिखाया था, जंतु कोशिका में क्या होता है, सीधा सीधा सबसे बाहर की तरफ जंतु कोशिका में एक ही होता है। तो जंतु कोशिका में जो बाह्य स्तर होता है, ठीक है, ये जो बाह्य झिल्ली की बात करें तो वो कोशिका झिल्ली होती है सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। किसमें, जंतु कोशिका में, ये दोनों में अंतर है, ठीक है, ये दोनों में क्या है, दोनों में अंतर है। चलिए अब हम देखते हैं, वहीं पर हमने बात की है किसकी, हमने बात की है पादप कोशिका की, तो उसमें बाहर की तरफ क्या मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है, ठीक है। चलिए अगर आपका पेपर है बहुत अच्छी बात है, बस पेपर के लिए पढ़ते रहिए मेहनत से, ठीक है। चलिए और पहली बार आया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है बेटा आपका, पंकज कुमार। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, कोशिका भित्ति की। तो बेटा पादप कोशिकाओं में ये सबसे बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, तो इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, तो बेटा अगर कोई भी चीज सबसे बाहर होती है, हम सबका घर है, मानो ये किसका घर है, ये है विशाल का या हैकर बॉय का, ये किसी का घर है, और घर में बाहर की तरफ एक बाउंड्री होती है ना, ये जो बाउंड्री है ये घर में, ये बाउंड्री का काम क्या है, बाउंड्री का काम है हमें जो घर के अंदर लोग रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, किससे, अंदर कोई ना घुसे, हैं, चलो बारिश से, ठंड से, और इन सब से तो बचाता ही है घर हमें, साथ ही साथ ये है ना बाकी लोगों से, अनजान लोगों से, शेर चीता कुत्ता, शेर चीता तो नहीं आता है हमारे यहाँ पे, पर ये हमें सबसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर मैं कोशिका भित्ति की बात करती हूँ, तो कोशिका
भित्ति भी क्या है, दृढ़ सुरक्षात्मक है ना, क्योंकि वो हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, हमें नहीं मतलब पादप कोशिका को, ठीक है। अब देखें क्या है ये, क्या करती है, ये दृढ़ सुरक्षात्मक है, ठीक, ये क्या है, दृढ़ सुरक्षात्मक है, ठीक, मतलब ये क्या करती है, ये हमें सुरक्षा देती है पादप कोशिकाओं को। सबसे पहले कोई भी चोट लगेगी, कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, जो सबसे बाहर की तरफ होता है वो इसी पर ही आएगा, ठीक है। और क्या क्या बातें हैं, तो बस देखो ऐसे ही समझना है, चीजों को रटना नहीं है, ठीक, क्योंकि रट के तो पढ़ना ही नहीं है, बस जो लिखा है, क्यों लिखा है उसका मतलब समझ लेना है, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखिए उसके बाद और क्या है, ठीक, उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या होता है इसमें। ये निर्जीव आवरण है एक तरह का, ठीक है, ये क्या है, निर्जीव आवरण है, ठीक है, क्या है, एक तरह का ये है निर्जीव आवरण, ठीक, ये क्या है, निर्जीव आवरण है। अगर आप देखते हो बेटा तो ये कहाँ है, ये बाहर की तरफ है, इसमें है ना, ये कहाँ पर है, ये बाहर की तरफ है बिल्कुल, और जो बाहर का ये बाह्य आवरण हो गया, है ना, बाह्य आवरण हो गया, और कैसा है ये, निर्जीव, ये सजीव नहीं है, ये कैसा है, ये निर्जीव है। नोट्स के पीडीएफ जो है ललित अवस्थी, आपको RWA ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से मिलेगा, वहां पे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो फ्री कोर्स में जाना है, वहां से टॉपर्स बैच पर जाना है, टॉपर्स बैच से आपको टीचर्स की फोटो दिखेगी, और वो जिस भी टीचर की फोटो होगी उस पर क्लिक करिए, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज का पेपर बहुत मस्त हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सचिन वर्मा, बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, जागृति स्टार, बेटा अगर हम देखें पहले तो दोनों की जो बना है, कौन कौन किस से बना है, पहला तो पॉइंट यही है कि जो कोशिका भित्ति है सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में होती ही नहीं है। दूसरा क्या है कि जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज से मिलके बनी है, ये बनी है सेल्यूलोज से मिलके। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो वो लिपिड और किससे, प्रोटीन से मिलके बनी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या है, ठीक है, और क्या है, तो ये निर्जीव आवरण होता है। दूसरा और ये क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है, क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है, ठीक। अर्ध पारगम्य से क्या मतलब है, अर्ध पारगम्य से मतलब है, अर्ध पारगम्य से मतलब है कि ये आधी चीजों को जाने देती है, अपनी भित्ति से पार होके आधी चीजों को जाने देती है और आधी चीजों को नहीं जाने देती है। मैम किसी, हाँ कल क्लास नहीं थी, कल क्लास थी बेटा, ठीक है, कल तो क्लास थी। चलिए एक बार देखते हैं हम कैसे, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लो मेरे पास ये क्या है, ये एक बीकर है, जार है, और मैंने इस जार में एक भित्ति लगा दी, ठीक है, एक ये कोशिका भित्ति लगा दी, और कोशिका भित्ति कैसी होती है, ये तो अर्ध पारगम्य होती है ना, कोशिका भित्ति लगा दी मैंने, तो बेटा ये जो कोशिका भित्ति है ये आधी चीजों को, इधर से हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें पानी डाला, इधर भी पानी है, पानी के साथ साथ हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें चीनी भी डाली, है ना, हमने इसमें चीनी भी डाली, और यहाँ पर चीनी एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। अब चीनी के हिसाब से इधर पानी क्या हुआ, इधर पानी कम हो गया क्योंकि यहाँ चीनी ज़्यादा है, हमें इसीलिए दोनों तरफ पानी बराबर करना है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को बराबर करना है दोनों तरफ। तो बेटा यहाँ पर चीनी ज़्यादा है, इसीलिए जब तक दोनों तरफ पानी, ठीक है, पानी जो है बराबर नहीं हो जाएगा किसके, चीनी के अणु के हिसाब से, विलय के अणु के हिसाब से, तब तक पानी इधर से इधर जाता रहेगा। ये जाने देगी, ये झिल्ली जाने देगी, पर एक ही चीज को जानी देगी, है ना, एक ही चीज को जाने दे रही है, और बेसिकली ये वाटर को जाने देती है, कहां से, उसकी जहां पर उच्च सांद्रता है, जहां वो ज्यादा है, इधर पानी ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, क्योंकि यहां पर चीनी ज्यादा है तो पानी कम है उस हिसाब से, है ना, चीनी के अणु के हिसाब से, तो ये जाने दे रही है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, बिल्कुल सही बात है, सॉल्वेंट को जाने देगी, हैकर बॉय, है ना। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य कहते हैं। ये कैसी है, अर्ध पारगम्य है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं
क्या है, ठीक है, अब हम चलते हैं। निधि बेटा वीडियो यहाँ से नहीं रुक रही, शायद आपके वहां से रुक रही है, ठीक है, आपके वहां से रुक रही है। चलिए देखते हैं मैम जी, बायो वाला हार्ट बोला था मैंने, सारे बच्चे बायो वाला हार्ट भेजेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होने दो और उसके बाद भेजना अगर आप लोगों को क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा और क्या क्या पॉइंट है जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है कि ये कहाँ पर मिलती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर। देखो कोशिका झिल्ली मैंने अंदर बनाई है, कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर क्या मिलता है, कोशिका भित्ति मिलती है ना, क्या है, कोशिका भित्ति मिलती है। तो बेटा ये कहाँ मिलती है, कोशिका झिल्ली के, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहाँ पर मिलती है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर मिलती है, कोशिका झिल्ली के बाहर मिलती है ना, कोशिका झिल्ली के बाहर मिलती है, झिल्ली के बाहर मिलती है, ठीक है, कोशिका के बाहर मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अब अगर हम बात करते हैं एक बार कि ये किससे मिलकर बनी है, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी है, तो बेटा ये किससे मिलकर बनी है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ सोनी सिंह, वन बाय वन, एक एक पॉइंट पे आएंगे ना तभी तो बात करेंगे कि किससे मिलके बनी है, या एक पॉइंट छोड़ के आगे बढ़ जाऊं है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये किससे मिलकर बनी है, ठीक है, ये किससे मिलके बनी है। तो बेटा अब अगर हम बात करते हैं ये किससे मिलके बनी है, सेलुलोज से मिलके बनी है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वो किससे मिलकर बनी है, ठीक है, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है, तो बेटा ये सेलुलोज से मिलकर बनी है, ठीक है, किससे मिलके, सेलुलोज से मिलकर बनी है, सेलुलोज से मिलकर बनी है, ठीक है, सेल्युलोज से मिलकर बनी है। अब अगर हम देखते हैं कि ये मिलता किस किस में है, ठीक है, मिलती किस किस में है, तो बेटा पादप कोशिका में तो मैंने बताया ही है आपको कि ये किस में होती है, पादप कोशिका में मिलती है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति है किस किस में मिलती है, पादप कोशिका में तो मिलती है, ठीक है, पादप कोशिका, ठीक, किस में मिलती है, पादप कोशिका में मिलती है। पादप कोशिका के अलावा और किस में मिलती है बेटा, तो और मिलती है ये शैवाल में, ठीक है, शैवाल, भूल गए या याद है, हमने पढ़ा था, है ना, शैवाल में मिलती है, कवक में मिलती है, ठीक है, शैवाल में, कवक में और पादप कोशिका में मिलती है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भूलना नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है, इसमें मिलती है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है, हम बात करते हैं उसके बाद आगे और क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है, और क्या क्या, अब बात कर लेते हैं एक बार कार्य की। कार्य जो है, जितने भी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा, वो कार्य पे पूछा जाता है कि जैसे कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है ना, अंत द्रव्य जालिका का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, न्यूक्लियस का कार्य क्या है, एक एक करके सब पढ़ेंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वहां से बहुत पूछे जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर के जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो एक बार जो सबसे फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है बेटा, तो वो क्या पॉइंट है कि ये संक्रमण से बचाती है, ठीक है, क्या करती है, संक्रमण से बचाती है। अब आप बोलोगे मैम संक्रमण से कैसे बचाती है, ठीक है, क्या करती है ये, संक्रमण से बचाती है। देखो अभी अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया या कुछ भी आएगा तो वो सबसे पहले आके कहाँ अटैक करेगा, सबसे पहले आएगा यहाँ, इससे टकराएगा कोशिका भित्ति से, है ना, और कोशिका भित्ति जो है अगर उसको अंदर जाने देगी, कोशिका भित्ति उसको अगर अंदर जाने देगी तो वो संक्रमण फैलाएगा, संक्रमण करेगा, है ना, पर अगर ये उसको नहीं जाने देगी तो वहां पर कोई भी संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। चलिए वेरी नाइस हेम सिंह, ऐसे ही अच्छे अच्छी तरह पेपर करने हैं आप सबको, बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, ये उसको संक्रमण से बचाती है, फिर भी कुछ ना कोई वायरस बैक्टीरिया ऐसा होता है जो अंदर चला जाता है और संक्रमण तो कोज करता ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं और ये क्या क्या काम करती है, ये जो है यांत्रिक हानियों से बचाती है, ठीक है,
और क्या कार्य करती है? ये यांत्रिक हानियों से बचाती है। यांत्रिक हानि क्या होती है अभी बात करेंगे, ठीक है। ये क्या करती है? यांत्रिक हानियों से बचाती है। यांत्रिक हानियों से क्या करती है? यांत्रिक हानियों से बचाती है। यांत्रिक हानि से कैसे बचाती है बेटा? यांत्रिक हानि से बचाती है, मान लो कोई भी अगर चोट लगेगी, ठीक है, अगर मान लो हमें कोई मारता है तो सबसे पहले कहाँ लगता है? हमारी स्किन पे ऊपर, है ना। स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे पूरे शरीर को पे क्या है? त्वचा है। त्वचा हमें हर जगह से संक्रमण से बचाती है, सब चीजों से बचाती है। सेम ऐसे ही अगर इनके ऊपर भी कोई चोट लगेगी तो कौन बचाएगा? ये कोशिका भित्ति, ठीक है। कौन बचाएगा? कोशिका भित्ति बचाएगी, ठीक है, कोशिका भित्ति बचाएगी। आर्यन कुमार अभी तो नहीं होगा बेटा, योर मैसेज इज नॉट अलाउड। अभी तो सारे बच्चे मैसेज कर पा रहे हैं, ठीक है। कल आप लोगों ने बोला था कि मैम नहीं खुल पा रहा है, तो मैंने जो ग्रुप है वो खुलवा दिया था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या है, ठीक, और क्या क्या पॉइंट है। दूसरा, ये कोशिकाओं के बीच में एक संपर्क बनाने में भी सहायता करती है, ठीक है। संपर्क किस तरह से? मान लो ये दो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये दो कोशिकाएं हैं। अब ये जो दो कोशिकाएं हैं, ये कोई पादप की कोशिकाएं हैं। इन दोनों को आपस में किसी चीज को लेना देना है, ठीक है। आप बोलोगे मैम ये भी लेती देती हैं, हम लोग तो चलो अपने दोस्तों के साथ लेते देते हैं, तो ये भी लेती देती हैं आपकी तरह ही, बिल्कुल ठीक। ये कैसे लेती देती हैं? यहां पर इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक ऐसा रास्ता बना होता है, और ये जो रास्ता है जहां से ये चीजों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। इसी को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, ठीक है। इसी से प्लाज्मोडेस्मेटा, जहां से चीजों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, ठीक, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, ठीक। इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जीव द्रव्य तंतु, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको जीव द्रव्य तंतु भी कहते हैं, ठीक, जीव द्रव्य तंतु भी कहते हैं, ठीक। तो ये इनको क्या करता है? चीजों को आपस में लेने देने में मदद करता है। अब देखो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा हमने पढ़ा कोशिका भित्ति जो है ये दृढ़ सुरक्षात्मक है, ठीक। और एक और बात सुन लीजिए सभी प्यारे बच्चे, कल की क्लास में हम करेंगे एक प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कल की क्लास जो है किसी को भी छोड़नी नहीं है, ठीक है, कल की क्लास किसी को भी छोड़नी नहीं है। कल एक बहुत ही अच्छा सा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं ये क्या है। दृढ़ सुरक्षात्मक है, सुरक्षा प्रदान करती है, एक निर्जीव आवरण होता है, अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली के बाहर मिलती है, सेल्यूलोस से मिलके बनी होती है। किस किस में होती है बेटा? तो पादप, शैवाल और कवक में होती है। कार्य क्या क्या है? संक्रमण से बचाती है और यांत्रिक हानियों से भी बचाती है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं किस पर? अब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तब तक मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। चलिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम, ठीक है। प्रिया चौहान, जो आप लोग नोट्स बनाते हो, या तो देखो उसको डायरेक्टली भी क्लास से बना सकते हो, जैसे मैं जो जो चीज़ें करवाती हूँ आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर दूसरा, आपको नोट्स प्रोवाइड भी कराए जाते हैं, तो वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या है। देखो सबको नजर आ रहा होगा एक बहुत ही प्यारी सी कोशिका है ना, प्यारी सी ही है। और आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल प्यारी नहीं है, बहुत प्यारी है, ठीक है। देखो ये क्या है? ये है एक कोशिका, ठीक है। ये क्या है? ये है एक कोशिका। कोशिका के अंदर आपको नजर आ रही होगी एक संरचना। ये क्या है? ये वाली जो संरचना है, ठीक है, ये जो संरचना है ये है आपका केंद्रक, ठीक है। ये क्या है इसके अंदर? केंद्रक। केंद्रक के बारे में तो बात करेंगे, केंद्रक से पहले जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः द्रव्य जालिका। तो देखो क्या है अंतः द्रव्य जालिका, कौन सा पार्ट है ये, ठीक है। अंतः द्रव्य जालिका कौन सा पार्ट है इसमें? तो ये जो है आपका, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर।
चलो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है, तो बस एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये कहाँ पे है, कोशिका में कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, ठीक। तो देखते हैं एक बार इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक। तो बेटा जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, पहले तो बिल्कुल भी देख के डरना नहीं है, पहले तो बिल्कुल भी देख के डरना नहीं है। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बायो में एक चीज बहुत खास होती है, इसका नाम ये क्यों रखा, अगर आपका नाम राहुल है, आपका नाम सोनू है, आपका नाम प्रिया है, क्यों रखा ये नाम, क्यों रखे। हर एक नाम के पीछे एक लॉजिक होता है ना, आपकी अपनी अपनी एक कहानी होती है, यार मैम मेरी दादी को ये पसंद था, मेरी बुआ को पसंद था, उन्होंने रख दिया। तो ऐसे ही इसका नाम ये क्यों रखा, वो स्टोरी एक बार पढ़ लेते हैं, स्टोरी की तरह सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा और भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अंतः द्रव्य, ठीक है, अंतः द्रव्य जालिका, ठीक है, अंतः द्रव्य जालिका। जो हम अंतः द्रव्य जालिका पढ़ने वाले हैं, इसमें इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतः द्रव्य जालिका, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो हम अंतः द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका नाम ये क्यों रखा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, अंतः का मतलब क्या होता है, अंतः का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अंदर, ठीक है। मैम मेरे पापा को पसंद था, देखो प्रिया ने बोला ना मेरे पापा को पसंद था, ऐसे ही देखते हैं इनका किसको पसंद था, ठीक। चलिए जब हम बात करते हैं अंतः का मतलब क्या होता है, अंतः का मतलब है अंदर, तो यहां किसके अंदर, किसके अंदर की बात कर रहे हैं, यहां जो बात हो रही है वो हो रही है कोशिका के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा कोशिका के अंदर, ठीक है। अभी दिखाऊंगी आपको कैसे इसका नाम रखा, कोशिका के अंदर, चलो ठीक है कोशिका के अंदर तो ठीक है मैम, पर आगे क्या है, आगे है द्रव्य, आगे क्या है द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या है, द्रव्य का मतलब तो होता है वही एक तरल, एक लिक्विड, ठीक है, एक तरल या कुछ भी लिक्विड चीज, कहाँ कहाँ पे ये तरल है, तो कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। पूरी बात एक बार मेरी सुन लेनी है, उसके बाद बताना है अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। चलिए क्या है जालिका, जालिका मतलब क्या है, जाल जैसी संरचना, जाल जैसी संरचना, तो यहां पर कोशिका द्रव्य में क्या है, जालिका है, ठीक। चलो एक बार देखते हैं इसकी संरचना, मानो ये क्या है, ये है मेरी कोशिका, ठीक है, ये है मेरी कोशिका, ये मेरी कोशिका के अंदर मैंने बताया था क्या भरा है, एक क्या भरा है, एक लिक्विड भरा है, ठीक है, एक तरल पदार्थ भरा है, जिसको मैंने क्या कहा है, ठीक है, ये एक तरल भरा है मेरी कोशिका के अंदर, एक द्रव्य भरा है जिसको मैंने क्या नाम दिया था, जिसको मैंने साइटोप्लाज्म बोला था, ठीक है, जिसको मैंने साइटोप्लाज्म बोला था। अब ये मत कहना मैम साइटोप्लाज्म कहाँ से आ गया, ये पूरी स्टोरी सुनो पहले, तभी तो मजा आता है, तभी तो पता लगता है राजा कौन था, राम कौन था, है ना। तो देखते हैं अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ठीक, इसके बीच में एक संरचना होती है और बीच वाली संरचना का नाम क्या है, केंद्रक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है केंद्रक, ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है केंद्रक। केंद्रक के बाहर की ओर एक संरचना है, केंद्रक के बाहर की ओर भी एक संरचना है, कौन सी संरचना है, ये वाली संरचना है, ठीक है, ये वाली संरचना है, केंद्रक के बाहर ये एक संरचना है। ये संरचना आपको कैसी नजर आ रही है, ठीक है, ये संरचना कैसी नजर आ रही है, ये एक जाल जैसी संरचना नजर आ रही है। अब रिलेट करो, मैंने क्या लिखा है और क्या बोला है, दोनों को रिलेट करो बेटा, मैंने बोला है कोशिका के अंदर, क्या ये संरचना कोशिका के अंदर है कि बाहर है, कोशिका के अंदर है कि बाहर है, आप लोग खुद आंसर दीजिए तभी आपको समझ में आएगा, ये जो जाल मैंने बनाया है ये कोशिका के अंदर है कि बाहर है, अंदर है ना, हाँ, और कहाँ है, कोशिका द्रव्य में,
ये कोशिका के अंदर एक द्रव्य है ना, कोशिका के अंदर एक द्रव्य है जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला है। तो ये जाल है, और ये जाल कहाँ है? कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर भी कहाँ है? कोशिका द्रव्य में ये जाल है, कोशिका द्रव्य में ये जाल है। और इसी जाल को क्या बोला है? जालिका। जाल जैसी संरचना आपने देखी होगी, ये जाल जैसी संरचना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसीलिए इसका नाम है अंतः द्रव्य जालिका। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, कोई बच्चा गोरा सा दिख रहा है, ठीक है, चलो गोरे से तो मुझे याद नहीं आ रहा कोई नाम, या होता है गोरा वोरा किसी का नाम है, आप लोगों को याद आ रहा है तो बताइए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा अगर थोड़ा सांवला है तो उसका नाम रख देते हैं काला, है ना, कालू, कुछ भी ऐसे नाम रख देते हैं, है ना। अब यहां पर कोई भी गोरा बच्चा, गोरे से पर मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है, होता है ना ऐसे, कोई बहुत लंबा है तो उसको, हाँ भूरा, भूरा, मनोज ने बिल्कुल सही बताया है, कोई गोरा होता है तो उसका नाम रख देते हैं भूरा, कोई थोड़ा सांवला सा होता है तो उसका नाम रख देते हैं काला, कालू, ऐसे ऐसे नाम। तो अब देखो ऐसे ही यहां देखा कि ये कैसा है, इसको देखा और इसका नाम रख दिया, है ना, इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? कि भाई ये कोशिका के अंदर है तो अंतः कैसा है? द्रव्य में पाया जा रहा है तो कोशिका द्रव्य में कैसा, और जाल जैसा है तो जालिका, अंतः द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है नाम? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर नाम क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखो हैकर बॉय बता रहे हैं और भी नाम, कालिया, है ना, अभी तो आप लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम ला सकते हो ढूंढ ढूंढ के, है ना। चलिए अब हम चलते हैं उसके बाद आगे, ठीक। और ये कहाँ है बेटा? ये जो पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक आवरण से जुड़ा रहता है, ठीक है, किससे जुड़ा रहता है? ये केंद्रक आवरण से जुड़ा रहता है। इस पॉइंट को भी समझेंगे एक बार, केंद्रक आवरण से जुड़ा रहता है, ठीक है, केंद्रक आवरण से जुड़ा रहता है। अब देखिए क्या ये केंद्रक आवरण से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? पेपर में रट के नहीं जाना कुछ भी, पेपर में समझ के जाना है कि चाहे मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा पर पेपर में सब याद आ जाए। अगर आपने समझा तो बेटा कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। देखो क्या है, क्या ये संरचना, ये संरचना क्या है? ये संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख दे रही हूं, जिसको अंतः द्रव्य जालिका कहते हैं। क्या ये केंद्रक से जुड़ी है कि नहीं? ये मैंने केंद्रक बनाया है, केंद्रक से ये संरचना जुड़ी है या नहीं जुड़ी? ये संरचना जुड़ी है तो हम क्या कह सकते हैं? केंद्रक आवरण से जुड़ा रहता है ना बेटा, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? तो क्या आपको ये पॉइंट रटना है? नहीं रटना, बिल्कुल नहीं रटना, कोई भी चीज नहीं रटनी, जो पढ़ाया है उसको क्लास में ही करके जाना है और वही आंसर करना है पेपर में, है ना मैम। टेस्ट नहीं होता है क्या? बिल्कुल टेस्ट आप लोगों का होगा, ठीक है, टेस्ट बहुत जल्दी आपको प्लान करके बताते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम देखो कंफ्यूजन, हमने दो ही पॉइंट पढ़े हैं, क्या पॉइंट पढ़ा है? एक तो इसका नाम ये क्यों रखा है, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि कोशिका के अंदर ये द्रव्य में मिलता है, एक जाल जैसी संरचना, इसीलिए इसका नाम रखा है। दूसरा मैंने बताया केंद्रक आवरण से जुड़ा रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, थैंक यू हैकर बॉय एंड सेम टू यू, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अंतः द्रव्य, अभी मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, देखो इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER बहुत बार लिखा हुआ मिल जाएगा यहां से, ठीक, ई और आर, ठीक, तो वही शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक के रूप के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो वाला रूप नहीं है, सुंदरता वाला रूप नहीं है, ठीक, के जैसे मैम हमने तो एक बात सुनी थी, सुंदरता वाला रूप है मैम, हाफ ईयरली स्पेशल क्लास की लिंक मिल जाएगा, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग से एक वीडियो डली हुई है, ठीक, तो वहां से आप देख सकते हैं आदित्य, ठीक है। चलिए बाकी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी आज की क्लास के बाद, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम किसकी बात करते हैं, रूप की, तो बेटा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीन रूप होते हैं, प्रकार की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, रूप की बात करती हूँ, तीन रूप होते हैं। तीन रूप कौन कौन से? तीन तरह की मिलती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीन तरह में कौन कौन सी होती हैं, तीन तरह में कौन कौन सी होती हैं? एक तो जो है, ठीक है, एक को तो कहते हैं कोश, ठीक है, एक को तो कहते हैं कोश, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक,
जिसको सिस्टर नहीं कहते हैं, ऐसे ही इसका एक एक फंक्शन पढ़ेंगे जहां आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो और साथ ही साथ पूरा याद भी हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू प्रिया चौहान। आप देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव, मैं तो किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ बेटा, ठीक है। ये क्या है, सिस्टरने क्या है? अगर मैं सिस्टरने की बात करती हूँ, पहले मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से रूप होते हैं। एक तो हो गया कोष, जिसको सिस्टरने कहते हैं, और क्या है इसमें, एक है थैलिया, ठीक है। एक कैसी होती है, एक होती है थैलिया। थैलिया कैसी होती है, थैलिया कैसी होती है बेटा, थैलिए को जिनको वेसाइकल कहते हैं, ठीक है, जिनको वेसाइकल कहते हैं। थैली, जिनका नाम ही थैली है, इसका मतलब तो वो तो थैली जैसी ही होंगी, ठीक है। ये कैसी होंगी, थैली जैसी होंगी, ठीक, ये कैसी होंगी, थैली जैसी होंगी। अब बात कर लेते हैं एक बार सिस्टरनी कैसे होंगे, ठीक। जो सिस्टरनी है, सिस्टरनी कैसी होंगी, ठीक, ये कैसी होंगी, पहले पूरा समझना है इसको भी और तब बताना है, ठीक है। पहले इसको पूरा समझेंगे और तब बताना है, ये है सिस्टरनी। तीसरा रूप कौन सा है, तीसरा रूप कौन सा है, तीसरा है नलिकाएं, ठीक है। तीसरा रूप क्या है, तीसरा रूप है नलिकाएं, ठीक। तीसरा रूप क्या है, नलिकाएं, जिनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, जिनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं, ट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं, तो बेटा ट्यूब्यूल्स जो हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स जो हैं कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। मतलब जिनकी कोई संरचना जो है निश्चित नहीं होती। अब देखते हैं एक बार तीनों में क्या है, ठीक है, एक बार तीनों में देखते हैं क्या है, ठीक। चलिए मैम, हैप्पी बर्थडे। मनीष, मेरा बर्थडे नहीं है आज, ठीक है, मेरे बर्थडे के लिए अभी आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर के तीनों में क्या क्या है। अगर हम सिस्टरनी की बात करते हैं, जो मैंने यहाँ संरचना बनाई है, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाई है, जो आपको नजर आ रही है, जो केंद्रक से जुड़ी है, ये कैसी संरचना है, ये सिस्टरनी, इसको सिस्टरनी कहते हैं। अगर यहीं पर क्या पाए जाते हैं, कभी कभी इसमें ऐसे ऐसे गोले से भी पाए जाते हैं, जो गोल गोल जो है, ये कैसी है, जैसे कोई थैली होती है, ठीक है, जैसे थैली होती है। आपसे बहुत देर से पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता रही हो, क्या पूछ रहे हो उत्तम, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, ठीक है। चलिए तो ये क्या है बेटा, ठीक, ये क्या है, ये जो है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर ऐसा मिलता है थैली जैसा सा, ठीक। ये ललित अवस्थी आपको लिंक ऊपर दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं और क्या क्या है, और ये जो संरचना, अगर इसमें कभी कभी ऐसी सी संरचना भी पाई जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया है, ये साखित संरचना है। अब तीनों का काम क्या है, ठीक है, तीनों का काम क्या है, उत्तम बताइए क्या पूछा है आपने बेटा, ठीक। चले अब हम देखते हैं कि तीनों का काम क्या है। अगर हम देखते हैं बेटा, इसका जो काम है सिस्टरने का, इनका काम है संश्लेषण, ठीक है। इसका काम क्या है, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ये हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किया था, केंद्रक के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है, कैसे काम करता है, ये हम सारा पढ़ेंगे वन बाय वन। जिस दिन केंद्रक वाली क्लास लूंगी तो उस दिन मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये क्या करता है बेटा, ये संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है, ये क्या करता है, संश्लेषण का कार्य करती है। अब देखो क्या संश्लेषण का कार्य करती है, चलो एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे संश्लेषण का कार्य करती है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखो मैं दो दो संरचनाएं बनाऊंगी और दोनों से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, ये है केंद्रक, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है केंद्रक। केंद्रक के बिल्कुल बाहर की ओर यहां पर क्या है, यहां पर ये कुछ संरचना है, ये संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अंतः द्रव्य जालिका की संरचना है, अंतः द्रव्य जालिका की संरचना है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, खाली सोंग भी सुना दिया करो है। चलो अब देखिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर भी क्या है, कुछ और ये संरचना मिल रही है, ठीक है, ये संरचना मिल रही है, यहाँ पर ये संरचना मिल रही है। इसी में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार की भी, ठीक है, इसी में हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार की, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार की बात भी करने वाले हैं,
ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रकार क्या है, कितने, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो एक बार बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ दो बनाए हैं, दो में से अब आपको देखना है, एक जो है, ठीक है, एक की सतह पर कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है, एक की सतह पर कोई चीज़ जुड़ी हुई है, कोई चीज़ जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई चीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक। अब ये जो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये जो दो प्रकार के होते हैं, इसमें देखो बेटा, दो प्रकार में एक जो है, ठीक है, एक क्या है, अगर हम बात करते हैं एक क्या है, तो बेटा एक तो कैसे दिख रहे हैं आपको, ये वाली जो है इसके ऊपर क्या है, ये तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ये तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, पर ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला मैं यहां लिख रही हूं, ये जो इसकी सरफेस है, इसकी सतह पर है राइबोसोम, ठीक है, इसकी सतह पर क्या है, इसकी सतह पर है राइबोसोम, ठीक है, इसकी सतह पर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, राइबोसोम उपस्थित होने के कारण, इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण जो इसका नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, खुरदुरी, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, खुरदुरी, ठीक है, खुरदुरी अंतः अंतः द्रव्य जालिका, ठीक है, अंतः द्रव्य जालिका, ठीक, जालिका। अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है, अंतः द्रव्य जालिका, बेटा एक बात बताओ, क्या ये सतह आपको खुरदुरी लग रही है ना, क्यों, क्योंकि इसकी सतह पर कुछ मिल रहा है, इसकी सतह पर कुछ क्या मिल रहा है, इसकी सतह पर मिल रहा है राइबोसोम, और राइबोसोम के उपस्थित होने के कारण ही ये कैसी है, ये खुरदुरी है, ठीक है, ये खुरदुरी है, यहीं से इनका फंक्शन भी समझेंगे। तो एक प्रकार की तो ये हो गई, दूसरी देखो, दूसरी की सतह पर कुछ मिल रहा है, नहीं, दूसरी की सतह पर कुछ नहीं मिल रहा, इसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, जो मैंने अपनी पुरानी क्लास में भी एक दिन आपको हल्का सा समझाया था, है ना, इसीलिए इसको शॉर्ट में RER भी लिखते हैं, R जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा स्मूथ, यानी कि चिकनी, जो स्मूथ होता है वो क्या है, चिकनी, क्योंकि उसकी सतह पर कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये क्या है, ये है चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, दो प्रकार का होता है, तो दूसरा प्रकार ये हो गया, चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, ठीक, अंतः द्रव्य जालिका, ठीक, तो ये हो गया दूसरे प्रकार का, ठीक, ये है अंतः द्रव्य जालिका जो चिकनी है। अब दोनों का काम क्या है, ठीक है, विष्णु क्या पूछ रहे हैं बताइए बेटा, जब आप पूछेंगे तभी बताऊंगे ना, देखो दोनों का काम क्या है, राइबोसोम जो है, ठीक है, राइबोसोम को जो है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक, इसको भूलना नहीं है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब प्रोटीन फैक्ट्री से क्या मतलब है, फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री वो होती है जहां पर किसी भी चीज को प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज का निर्माण होता है, जहां पर कोई चीज बनती है। आज से पहले आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, बहुत सारी फैक्ट्री सुनी होंगी, कपड़े की फैक्ट्री और बहुत सारी चीजों की फैक्ट्री, पर यहां ये कौन सी फैक्ट्री है, ये है प्रोटीन की फैक्ट्री, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, कपड़े की फैक्ट्री में क्या बनता है, कपड़ा, प्रोटीन की फैक्ट्री में क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन की फैक्ट्री में बनेगा प्रोटीन, ठीक है, तो यहां किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, सीधा सीधा राइबोसोम का जो कार्य हुआ, राइबोसोम का जो फंक्शन हुआ वो क्या हुआ, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। 12th क्लास की बायोलॉजी का रिवीजन, विष्णु 12th की पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन की आप टेंशन ना लें, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स का काम क्या हुआ, राइबोसोम्स का काम हुआ प्रोटीन का निर्माण करना।
चलो ठीक है। अब आप बोलोगे मैम प्रोटीन का निर्माण क्यों करना है, क्या जरूरत है प्रोटीन के निर्माण की? हमारे शरीर में इतनी सारी चीजें, इतना सारा जो काम होता है, एंजाइम्स की जरूरत है, हॉर्मोन्स की जरूरत है ना, वो सब क्या है? वो सब प्रोटीन है हमारे शरीर में। तो वहां सब जगह हमें किसकी जरूरत है, इसीलिए हमें प्रोटीन बनाना पड़ता है। और कहाँ बनता है वो प्रोटीन? हमारी कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि ये पूरी स्टोरी कोशिका के अंदर चल रही है। तो अब सोचो कोशिकाओं के अंदर कितना कुछ होता है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या है, ठीक है, बस 5 मिनट फिर बात करते हैं, बात नहीं करनी अभी, पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, तो जो अंतः, जो क्या है, जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर कोई इससे क्या पूछे आपसे, इसका कार्य पूछे, तो इसका कार्य क्या हुआ? इसका कार्य हुआ प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर क्या है, इसकी सतह पर राइबोसोम्स हैं, ठीक है, इसकी सतह पर क्या है, राइबोसोम्स है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, चिकनी अंतः द्रव्य जाली का, ठीक, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होगा? तो बेटा इसका काम होता है लिपिड का निर्माण, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लिपिड का निर्माण। क्या हमने कल कुछ पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली। अब बताओ मुझे, रिलेट करो वहां से, देखो बायो में रिलेट भी करनी होती है चीजें। कल हमने कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, कोशिका झिल्ली दो चीजों से मिलकर बनी थी। दो चीजें क्या क्या चीजें थी, ठीक है, दो चीजें क्या क्या थी बेटा? एक तो प्रोटीन से मिलकर बनी थी और दूसरी लिपिड से। क्या हमारे शरीर में लिपिड की जरूरत है कि नहीं है? है ना। तो यहां पर और भी जगह होती है, ठीक है, बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर लिपिड का होता है, जो लिपिड से बने होते हैं। तो बेटा हमें लिपिड की भी जरूरत है ना। तो वो लिपिड का निर्माण कहाँ हो रहा है? वो लिपिड का निर्माण जो है, वो लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? जो चिकनी अंतः द्रव्य जालिका होती है, जिनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, स्मूथ आ गया एस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो जिनका काम क्या होता है? जिनका काम है बेटा लिपिड का निर्माण करना। और इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। अगर इतना क्लियर है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, बिल्कुल सही बात है ना, बस डरना तो है ही नहीं किसी भी चीज से, ठीक। तो ये क्या करती है? एक लिपिड का निर्माण और एक प्रोटीन का निर्माण। मान लो पेपर में बैठे हो, भूल जाते हो, भूलना तो है ही नहीं, बस ये याद रखो खुरदुरी क्यों है? राइबोसोम के कारण। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है, सॉरी, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसका मतलब ये तो प्रोटीन बनाएगी और जो दूसरी है वो क्या बनाएंगी? वो लिपिड का निर्माण करेंगी। अगर इतना क्लियर है तो अब एक बार सभी प्यारे बच्चे बायो वाला हार्ट भेजेंगे फटाफट, अगर आपने जो पढ़ा है आज वो क्लियर है। कल की क्लास में फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो कल सभी बच्चे आएंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार सभी बच्चे जो हैं बायो वाला हार्ट भेजेंगे फटाफट, अगर सब कुछ क्लियर है, ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार। अच्छा, सबको क्लियर है, चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अंतः द्रव्य जालिका में हमने पढ़ा है कि बेटा इसका नाम ये क्यों रखा, क्योंकि कोशिका के अंदर, उसके द्रव्य के अंदर क्या मिलता है? एक जालिका, जाल जैसी संरचना मिलती है, केंद्रक के आवरण से जुड़ा रहता है। तीन रूप होते हैं कोश सिस्टर ने, जिसका फंक्शन हमने पढ़ा है, जो जालिका, जो थैलियां बचती हैं, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आया, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, है ना। तो ये क्या कर रही है? कहीं प्रोटीन बना रही है और कहीं पे लिपिड बना रही है, ठीक है। अब जो वेसाइकल है, इनका फंक्शन पढ़ेंगे हम कल की क्लास में कि ये क्या काम करती हैं, और जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा? खुरदुरी अंतः द्रव्य जालिका, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरा क्या है? चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, जिसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो खुरदुरी है वो प्रोटीन का निर्माण करती है, क्योंकि उनकी सतह पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं, और ये किसका? लिपिड का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के होमवर्क के क्वेश्चन पर, ठीक है। आज के होमवर्क के क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका आंसर आपको करना है कॉमेंट सेक्शन में। आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।
चलिए बेटा, वहां से निर्माण नहीं होता है कार्बन, बहुत सारी चीजों के लिए मैंने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल वहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक बार क्या है। और बाकी कोशिकाएं बनती है ना, एक ही कोशिका नहीं है हमारे पास, कोशिका बनती है, नई नई कोशिकाएं भी तो बन रही है ना। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर पूरा दिन मतलब काम चलता रहता है ऐसे ही। अभी तो डीएनए से डीएनए भी बनता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। और इतना जो प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण मैंने सिंपल बताया, बहुत ही आप पूरे 12th में पढ़ोगे कि एक्चुअल में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सभी बच्चे प्लीज आंसर जरूर करें, जिससे मुझे भी पता लगता है कि आपने कितना जो है आंसर किया, कितना आपने समझा, है ना। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में सुविकसित होती है जो इसका संश्लेषण करती हैं। किनका? स्टेरॉइड्स का, प्रोटीन्स का, ठीक है। स्टेरॉइड लिपिड्स, स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। और इन्होंने चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे कल शाम वापस इसी समय पर, तब तक के लिए सारे बच्चे पढ़ के जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल शाम।